कोरोना की दूसरी लहर अभी थमी भी नहीं थी कि देशवासियों के सिर पर एक नया खतरा मंडराने लगा। इस बड़े खतरे का नाम है ब्लैक फंगस, यानी म्यूकोर माइकोसिस। इसकी वजह से मरीज की आंखें खराब हो सकती हैं और मरीज की जान भी जा सकती है। ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार इसका कोरोना से सीधा संबंध है। ऐसे कोरोना मरीज जिनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता, जो कैंसर का भी उपचार करा रहे हैं, या किसी रोग के लिए स्टेरॉयड या एंटीबायोटिक दवाओं की ज्यादा डोज ली, उन्हें ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा रहता है। जाहिर है, हमें वक्त रहते इसकी पहचान और इसका निदान करना है। सबसे पहले बात करते हैं इसके लक्षणों की, कि आखिर पता कैसे चले कि ब्लैक फंगस हुआ है। ब्लैक फंगस को लेकर एम्स ने जो गाइडलाइन जारी की, उसके मुताबिक इसमें नाक बंद हो जाती है, नाक से काला खून जाने लगता है, सिर दर्द और आंखों में दर्द रहता है, आंखें लाल हो जाती हैं, सूजन रहता है, आंखें बंद करने और खोलने में परेशानी होती है, साथ ही धुंधला दिखने लगता है, चेहरा सुन्न हो जाता है, चेहरे में झुरझुरी महसूस होने लगती है और मुंह खोलने और किसी चीज को चबाने में परेशानी होती है। अगर आप तुरंत कोरोना से ठीक हुए हैं, अगर आपको स्टेरॉयड दवा दी गई है और शुगर लेवल ज्यादा रहता है, तो अपने चेहरे और बॉडी को मॉनिटर करते रहें और ब्लैक फंगस के लक्षण प्रकट होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अगर कोरोना हुआ है तो जिस डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं उनसे तुरंत संपर्क करें। ब्लैक फंगस लाइलाज नहीं है, इसका इलाज भी होता है, इसकी दवाई भी मार्केट में है, लेकिन ये जरूर ख्याल रखें कि ये एक गंभीर बीमारी है। सबसे जरूरी है कि आप बीमारी को पहचानें और डॉक्टर के निर्देश का पालन करें। ब्लैक फंगस के बीच देश के कई हिस्सों से व्हाइट फंगस के मामले भी सामने आने लगे हैं। बिहार की राजधानी पटना में व्हाइट फंगस के कई मामले सामने आए। बताया जा रहा है कि ये ब्लैक फंगस से भी ज्यादा घातक है, फेफड़ों के संक्रमण का ये प्रमुख कारण है। ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत महामारी घोषित करने की अपील की है। साथ ही ब्लैक फंगस से निपटने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में सभी सुविधाएं मौजूद कराने को भी कहा है। कई राज्यों ने तो इसे महामारी घोषित भी कर दिया है। कई राज्यों ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। जरूरत है वक्त रहते इसकी पहचान और बेहतर उपचार की।